Now we'll start with next feature of accounting. अगली फीचर है अकाउंटिंग की. हमने तीन फीचर कर लिए थे, ठीक है ना? फोर्थ फीचर है हमारे पास क्लासिफाइंग. क्लासिफाइंग अगली फीचर है हमारे पास. और क्लासिफाइंग का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं? हमने इससे पिछले वाला जो फीचर था, जहां था रिकॉर्डिंग के बारे में बातें की कि किस तरीके से हमारे पास ट्रांजेक्शन को हम फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है? तो हमने कहा था हम यहाँ पर सबसे पहले जो एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन या इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें करते हैं या तो जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक्स में, डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस. अभी जो लास्ट हमने इसका फीचर डिस्कस किया था, वहां पे हमने कहा था अगर स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, तो सारी ट्रांजेक्शंस को फॉर द फर्स्ट टाइम कहां एंटर करता है? जर्नल में. बड़ा बिजनेस है, लार्ज बिजनेस है, लार्ज बिजनेस अपनी ट्रांजेक्शंस को कहां रिकॉर्ड करता है? रिकॉर्ड जर्नल में ही करता है, बट जर्नल के पार्ट्स बना लेता है. रीजन हमने आपको बताया था क्यों बनाता है, हमारी प्रीवियस फीचर में बताया था, ठीक है? तो वहां जर्नल के पार्ट्स बना लेता है और उसे हम बोल क्या देते हैं? सब्सिडरी बुक्स. सब्सिडरी बुक्स. ओके. नाउ अब जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा, और जिसे हमने फीचर के रूप में भी बताया है यहां पर हमारा, वो है क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन आप भी समझते हैं, नॉर्मली क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैं कहता हूं भाई क्लासिफाई कर दो, इनका वर्गीकरण कर दो, हिंदी में शब्द है एक, ठीक है ना? यानी एक जैसी चीजों को एक जगह पर उठाकर रख दो, ठीक है? यही क्लासिफिकेशन का मतलब है. एक जैसी चीजों को इकट्ठा करो और उन्हें एक जगह रखो, ठीक है? यानी अलग अलग ग्रुप्स बना दो. यही हम अकाउंटिंग में भी करते हैं, ठीक है? तो अकाउंटिंग में क्या होता है एक बार समझ लेते हैं. देखिए आपके पास बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, सेल की ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं, परचेज की ट्रांजेक्शन भी हो रही हैं, ठीक है? आप फिक्स एसेट्स भी खरीदेंगे, ठीक है ना? कैश ट्रांजेक्शन भी हो रही हैं, कुछ सामान आपका नगद में बिक रहा है, कुछ उधार में बिक रहा है, कुछ सामान आप उधार में खरीद रहे हैं, कुछ सामान आप नगद में खरीद रहे हैं, ठीक है? तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है और उन सबको सबसे पहले कहां लिख देते हैं? सबसे पहले ये सारी ट्रांजेक्शन लिख जाती है जर्नल में, ठीक है? जर्नल में लिख देते हैं इसको, या फिर सब्सिडरी बुक आप कह सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्लासिफाइंग, जिसे हमने फीचर भी बताया है यहां पर कि ये फीचर है अकाउंटिंग की, कि ये क्लासिफाई कर देता है ट्रांजेक्शन को. ये फीचर भी हो गई ना कि ये क्लासिफाई कर पा रहा है इसे, ठीक है? तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, सेल्स से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है ना एक जगह पर आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 जितनी भी सेल की ट्रांजेक्शन होगी मैं एक जगह ग्रुप कर लूंगा. परचेज की जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी मैं एक जगह ग्रुप कर लूंगा, ठीक है ना? जितनी भी हो, ठीक है? ऐसे ही एक्सपेंस हो सकता है, मानो कोई एक्सपेंस, मानो सैलरी का एक्सपेंस है. अब हमारे यहाँ 20-30 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो सबका खर्चा, सैलरी का खर्चा, तो हमने सारे एम्प्लॉय का खर्चा यहाँ डाल दिया. ऐसे अलग अलग था, सबको पेमेंट अलग अलग की है, बट मैंने जब कहा क्लासिफाई करना है तो मैंने कहा एक जैसी चीजों को सबको एक जगह डाल दो, ठीक है? ऐसे ही कैश का भी आएगा, जिनसे भी कैश आया है गया है उन सबको मैंने एक जगह लिख दिया, ठीक है? कैश इनफ्लो या फिर आउटफ्लो, दोनों को मैंने एक जगह लिख दिया. ऐसे ही सभी चीजों के लिए मैंने ग्रुपिंग कर दी, क्लासिफिकेशन कर दिया, ठीक है ना?
अब इस क्लासिफिकेशन को ही हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे हमने इसे जर्नल से पोस्टिंग की। कहां पर की पोस्टिंग? लेजर में। टेक्निकल लैंग्वेज में इसे हमने क्या बोला? हमने जर्नल से पोस्टिंग की लेजर में। आगे अभी समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि थ्योरेटिकल चल रहा है, जैसे ही हम प्रैक्टिकल पर आएंगे इन चीजों के ऊपर आपको ये बातें समझ में आएंगी। पोस्टिंग का कुछ मतलब नहीं है, पोस्टिंग का इतना सा ही मतलब है कि आपने जर्नल से चीजें लेजर में लिखी अलग अलग करके। मैं आपको कहूं, शॉर्ट में समझाऊं, तो ये देखिए जर्नल, ये जो है ना, ये सारी बात, ये सारी की सारी बात क्या है, ये मैं कहूं तो ये लेजर है, ठीक है ना। लेजर भी क्या है, जैसे जर्नल एक बुक थी जिसमें आप सारे ट्रांजेक्शंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे हुई टाइम वाइज लिख देते थे। आज के ट्रांजेक्शन में भी सबसे पहले जो आज सुबह हुई थी ट्रांजेक्शन, फिर उसके बाद जो हुई थी, एंड सेम सेम वे टाइम वाइज टाइम ऑर्डर में आप सब लिखते जा रहे थे, कहां पर? जर्नल में, ठीक है ना, जो हमने पीछे बात की रिकॉर्डिंग के समय, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, वो जो ट्रांजेक्शन लिखी हैं उनको देखते हैं, सेल के ट्रांजेक्शन, उनमें से जितनी भी सेल की हैं उठाकर यहां डाल देते हैं लेजर में। तो जर्नल से उठाकर जब मैं लेजर में डाल रहा हूं तो इस प्रोसेस को मैं क्या कहता हूं? पोस्टिंग कहता हूं, ठीक है। वैसे आगे हमारे पास चैप्टर है, जैसे मैंने कहा हमारे पास जर्नल के लिए चैप्टर है, लेजर के लिए भी हमारे पास चैप्टर होगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं लेजर। हाँ, तो मैं बात कर रहा था अब लेजर की। तो लेजर क्या है? लेजर भी एक बुक है जिसमें बहुत सारे अकाउंट्स बने होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे अकाउंट्स बने होंगे हमारे पास, कहां पर? लेजर में। राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, सेल्स का अकाउंट, परचेज का अकाउंट, सैलरी का, खर्चे का अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सारे अकाउंट्स बने होंगे, ठीक है ना। वो हम आगे समझेंगे, अभी थोड़ा थ्योरेटिकल चल रहा है, ठीक है ना। और प्रैक्टिकली समझेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैं तो सजेस्ट करूंगा प्रैक्टिकल से स्टार्ट करो और फिर धीरे धीरे थ्योरेटिकल को भी कवर करते रहो साहब, क्योंकि प्रैक्टिकल एक बार समझ में आ जाएगा ना, तो प्रैक्टिकल जो थ्योरिकल कर रहे हैं अब हम, बाद में समझ आता है कई बच्चों को कि ये अच्छा थ्योरी इस चीज के ऊपर थी ये थ्योरी, ठीक है ना। तो जल्दी समझ में आएगा, बस यहाँ टेक्निकल है थोड़ा, इसे भी पढ़ लेंगे तो आगे ज्यादा आपको अच्छे समझ में आने वाली बातें, ठीक है। चलिए अब यहां से आगे चलें। हमने क्लासिफाइंग को प्रैक्टिकली तो बता दिया कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है ना। तो लेजर में बहुत सारे खाते भरे होंगे, पेजेस होंगे, इंडेक्स होगा कि इस पेज नंबर पे इसका खाता है, इस पेज नंबर पर इसका खाता है, वो सब प्रैक्टिकल बातें हैं। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच था। अब आते हैं जरा थ्योरेटिकल समझ लें क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, ठीक है। बाकी नोट्स वगैरह इसके सब आपको मैं लिख कर दे दूंगा, ठीक है ना। तो थ्योरेटिकली हम बात कर सकते हैं आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। तो छोटा बिजनेस है तो उसने जर्नल में लिखा होगा ट्रांजैक्शन को, बड़ा बिजनेस है तो सब्सिडरी बुक्स में लिखा होगा। ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड एंड ग्रुप्ड अंडर डिफरेंट अकाउंट्स, ठीक है। क्या करते हैं हम यहां पर? एक बार हमने ट्रांजेक्शन सबसे पहले लिख लिया जर्नल में, ठीक है ना, या फिर सबसे ड्रिप में, उसके बाद क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन को हम क्लासिफाई करते हैं और ग्रुप कर कर
डिफरेंट अकाउंट्स में डाल देते हैं एक जैसी चीजों को। सिमिलर आइटम्स आर ग्रुप्ड अंडर वन अकाउंट। एक जैसी चीजें एक जगह पर चली जाती हैं, सिमिलर, ठीक है ना? जैसे सेल्स से रिलेटेड चीजें होगी तो सब एक खाते में जाएंगी, इसका नाम क्या होगा? सेल्स अकाउंट। परचेज से रिलेटेड, परचेज की जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी, ऐसा तो है नहीं बिजनेस बस एक ही परचेज के ट्रांजैक्शन करता है, बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं, तो वो सब एक जैसी ट्रांजैक्शन एक अकाउंट में चली जाएंगी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइंग। और जर्नल से लेजर में लेके जाने को हमने वो क्या बताया था आपको, जर्नल से अगर आप लेजर में लिख रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे? जर्नल से लेजर में लिख रहे हैं, इसे हमने क्या बोला? पोस्टिंग, ठीक है ना? इस प्रोसेस को बोल देते हैं पोस्टिंग करना, ठीक है? सो ये था हमारा नेक्स्ट फीचर अकाउंटिंग का, ठीक है? अब इसके बाद आते हैं अगली फीचर पर, ठीक है ना? इसके बाद क्या किया जाता है, ठीक है? ये स्टेप भी चल रहे हैं मेरे साथ साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी अकाउंटिंग की, हमने कहा था अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग पहला स्टेप था मेरा अकाउंटिंग का, उसके बाद था क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो अब मैं तीसरी स्टेप पर आ रहा हूं अकाउंटिंग की, जो मेरे यहां पर नंबर आ जाएगा 5, ठीक है? तो हम अपनी नेक्स्ट फीचर पर आते हैं हम, ठीक है? इसे लिख लीजिए आप, बाकी ये चीज अवेलेबल है आपके नोट्स में, ठीक है ना? आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैंने आपको नंबर दिया है, ठीक है? अब हम आते हैं नेक्स्ट फीचर पर, एंड नेक्स्ट फीचर जो है हमारा वो है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब भी आप समझते हैं वैसे, थोड़ा सा समराइज कर देना, उसे समरी फॉर्म में बताना, शॉर्ट फॉर्म में बता देना, ठीक है? तो अब यहां पर होता क्या है वो समझते हैं। देखिए, आपने ट्रांजैक्शंस को क्या किया, आपने सबसे पहले जर्नल में उन्हें रिकॉर्ड किया, यानी जर्नलाइज किया, जर्नल में आपने प्राइमरी एंट्री डाल दी, रिकॉर्डिंग कर दी, ठीक है? रिकॉर्डिंग के बाद क्या किया आपने, आप उसे लेजर में ले गए, ठीक है ना? जिसे मैंने क्या कहा, आपने लेजर में पोस्टिंग कर दी उसकी, ठीक है? आपने क्लासिफिकेशन कर दिया, ठीक है? यही कहा हमने। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा आता है, जो नेक्स्ट फीचर बना है हमारा यहां पर, यह समराइजिंग। सो समराइजिंग में हम क्या करेंगे ये समझते हैं। सॉरी, समराइजिंग में हम क्या करने वाले हैं, हम चीजों को समराइज करेंगे, ठीक है? अब वो समराइज कैसे होता है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। देखिए, जैसे मैं एक अकाउंट बनाकर दिखाता हूं आपको, पूरा फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि अब हम फॉर्मेट्स पर आए नहीं है आपके साथ, तो मैं एक बात करता हूं वैसे ही मैं बनाता हूं। ये कैश अकाउंट है मेरा, ये कैश अकाउंट है, इधर मैं क्या लिखूंगा, इनफ्लो लिखूंगा, इनफ्लो लिखूंगा, और इधर क्या लिखूंगा मैं, आउटफ्लो लिखूंगा। ये दो साइड बना दी मैंने, एक साइड तो यहां से यहां तक की है, ठीक है ना? एक साइड ये है जहां मैं क्या लिखने वाला हूं, इनफ्लो, और दूसरी साइड ये है जहां मैं क्या लिखूंगा, आउटफ्लो, ठीक है? ये कॉलम मैंने बना लिए सपोज, ठीक है? यहां मैं अमाउंट लिखूंगा, अमाउंट लिखूंगा, और यहां डिटेल्स लिखने वाला हूं मैं, डिटेल्स,
ठीक है, पूरे प्रॉपर फॉर्मेट पर नहीं जा रहे, फॉर्मेट बड़े आसान है, यही एक्चुअल में फॉर्मेट बन जाएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना, हल्का सा कुछ माइन्यूट चेंज करेंगे इसमें, ठीक है ना, आगे चल के फॉर्मेट बन जाएगा। देखिए तो मैंने कहा इनफ्लो, सबसे पहले मैंने कहा देखिए इनफ्लो बिजनेस में सबसे पहले आता है कि ऑनर है, जो मालिक है वो बिजनेस में पैसा लगाता है, ठीक है। तो हमने कहा देखिए पैसा लगाया टू कैपिटल, भाई पैसा लगाया तो इनफ्लो हुआ ना बिजनेस में, अगर ऑनर ने पैसा दिया बिजनेस को तो बिजनेस के पास पैसा आया, मैंने कहा इनफ्लो हो गया बिजनेस का, मैंने कहा 1 लाख रुपए दिए उसने। अब उस 1 लाख रुपए में से मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, मैंने कहा रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल खरीदा तो देखो पैसा आउटफ्लो होगा, पैसा बाहर जाएगा, मैंने कहा मैंने 20,000 का रॉ मटेरियल खरीदा। तो हम क्या कर रहे हैं, कैश से रिलेटेड जहां पर भी कैश आ रहा है जा रहा है, ये अकाउंट है, ये अकाउंट है लेजर आपका। तो लेजर में हमने क्या कहा था, एक जैसी चीजें एक जगह आएंगी, तो ऐसे बहुत सारे अकाउंट होंगे, मैं बस फिलहाल आपसे कैश अकाउंट की बात कर रहा हूं जहां पर ये लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि कैश आप जल्दी समझ पाएंगे क्योंकि अभी हम लेजर कर भी नहीं रहे, तो एग्जाम्पल देना है कि समराइजिंग कैसे होता है, ठीक है। रॉ मटेरियल खरीदा, फिर मैंने कहा मुझे फर्नीचर चाहिए था ऑफिस के लिए, मैंने 10,000 रुपए का फर्नीचर भी खरीद लिया, ठीक है। फिर हमें एक मशीनरी चाहिए थी, मैंने 50,000 की मशीनरी खरीद ली, ठीक है। तो ये सब तो क्या हुई, ये जो मैंने सब लिखा ये सब क्या है, ट्रांजेक्शन हैं, कि ऑनर ने पैसा लगाया बिजनेस में यानी पैसा आया बिजनेस में, हमने माल खरीदा, हमने फर्नीचर खरीदा, हमने मशीनरी खरीदी, ये सब ट्रांजेक्शन हैं जो सबसे पहले यहां लिखी गई थी, और एक जैसी जिनमें पैसा, जिनमें कैश इन्वॉल्व था, ठीक है ना, उन्हें हमने एक अकाउंट में लिखा, यानी लेजर में अकाउंट का नाम हुआ कैश अकाउंट, ठीक है ना। लेजर में बहुत सारे अकाउंट होते हैं, उनमें से एक अकाउंट है कैश अकाउंट, तो वो सब चीजें एक जगह पर आ गई। अब समराइज कैसे किया जाएगा, देखिए मैं इस इतनी सारी बात को एक शॉर्ट में बात बोल सकता हूं कि आज मेरे पास बैलेंस है, मैं इसे बोल दू क्लोजिंग बैलेंस, मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस है, आप बताइए क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा होगा मेरे पास, क्लोजिंग बैलेंस किसका पूछ रहा हूं, क्लोजिंग बैलेंस पूछ रहा हूं मैं कैश का, मेरे पास नगद कितना बचा होगा। तो मैंने कहा साहब देखिए 1 लाख रुपए आया था, ओनर ने बिजनेस को दिया था, उसमें से बिजनेस ने 20,000 का ये खरीदा, 10,000 का ये खरीदा, 50 का ये खरीदा, यानी कुल मिलाकर 80,000 रुपए बिजनेस ने खर्च कर दिए, तो बिजनेस के पास कितना बचा होगा क्लोजिंग 20,000 रुपए। ये हुआ समराइजिंग, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड समराइजिंग, हमने समराइज कर दिया, नेट कंक्लूजन निकाल दिया कि आज मेरे पास कैश कितना है 20,000 रुपए, ठीक है। इससे भी आगे भी चलने वाले हैं हम लोग, इसके ऐसे ही अभी हम सारे अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे, सभी जितने भी हमने लेजर में अकाउंट बनाए होंगे ना एक जैसी सारी ट्रांजेक्शन को हमने, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन जर्नल की सारी ट्रांजेक्शन लेजर में जाती है, ठीक है, यानी सारी के सारे ट्रांजेक्शन यहां चली गई और सारी ट्रांजेक्शन किसी ना किसी अकाउंट में जाएंगी और सभी अकाउंट्स के हमने क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेने हैं, ठीक है ना, यानी उन्हें समराइज कर लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकली बताऊंगा अभी, क्योंकि प्रैक्टिकल बताने लगा तो अगेन मैंने कहा इसके ऊपर हमारे पास पूरे चैप्टर्स हैं, जैसे ये मैंने ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, यहां पर भी चैप्टर्स हैं मेरे पास, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या होगा स्टेप में, सबसे पहला है क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, ये मेरा पहला चीज है समराइजिंग की तरफ, ठीक है ना, पहला स्टेप होता है क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग। इसके बाद समराइजिंग में नेक्स्ट स्टेप क्या करता हूं मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, ये कुछ नहीं है एक स्टेटमेंट है, किस चीज का स्टेटमेंट है, यहां पर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स, ये जो मैंने क्लोजिंग निकाल लिया ना, हर इस अकाउंट का भी मैंने 20,000 क्लोजिंग निकाल लिया, ऐसे सभी अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस को उठाते हैं और उनको इस स्टेटमेंट में लिख देते हैं, इसका नाम क्या होगा ट्रायल
ट्रायल बैलेंस होगा। तो उससे क्या हुआ, सारी चीजें एक छोटे से एरिया में आ गई। पहले मानो 100 पेजों में थी चीजें, क्योंकि हर अकाउंट एक पेज में बन रहा होगा, ठीक है ना, यानी 100 अकाउंट थे बिजनेस में अगर, तो 100 पेज लग रहे थे आपके। अब मैंने क्या किया, हर पेज से बस एक फिगर उठाया, क्लोजिंग फिगर उठाया, तो जाहिर सी बात है अब वो एक पेज की जगह एक लाइन में आ गया फिगर, यानी समय साइज कम हो गया, ठीक है ना। तो समराइजिंग की तरफ चले हमने, हमने क्या था, यहां पर हमने लेना है क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। इसके बाद क्या करूंगा, ये प्रोसेस है, एक्चुअल में ये प्रोसेस भी है मेरा अकाउंटिंग का, अभी मैं आगे चलने वाले हैं जहां पर हम बात करेंगे अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है, अकाउंटिंग प्रोसेस है क्या। प्रोसेस हम बात तो ऐसे करते आ रहे हैं, सबसे पहली प्रोसेस है रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग, ठीक है ना, जैसे हमने डेफिनेशन भी पढ़ा, डेफिनेशन ने हमें प्रोसेस ही बताई थी कैरेक्टर्स फीचर्स के साथ, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के बाद बनाऊंगा मैं एक अकाउंट जिसका नाम होगा जिसका नाम होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा। तो एक जैसे यहां एक अकाउंट बनाए थे हमने, लेजर में बहुत सारे अकाउंट बनाए थे, आखिरी में जाके भी एक अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है ना, जिसका नाम है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उससे और कंडेंस होते हुए मुझे एक छोटा सा फिगर निकल कर आ जाएगा, नेट फिगर निकल कर आ जाएगा, जिससे मुझे पता लगेगा कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया है या फिर हमें लॉस हुआ है। क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है बिजनेस में प्रॉफिट ही हो सकता है, लॉस भी हो, तो हम दोनों की बात कर रहे हैं। हो सकता है जब आपने समराइज करके नेट निकाला तो पता चला हमें बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इसलिए नाम भी देखो इसका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट भी निकल कर आ सकता है, ठीक है, या फिर लॉस भी निकल कर आ सकता है। अगर खर्चे ज्यादा हैं बिजनेस में और इनकम कम है तो क्या हुआ होगा, लॉस आ जाएगा, ठीक है। और अगर खर्चे कम हैं और इनकम ज्यादा है हमारी, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे एक स्टेटमेंट और बनाऊंगा जिसका नाम बोलते हैं बैलेंस शीट, ठीक है ना। बैलेंस शीट का एक नाम और है पोजिशन स्टेटमेंट। ठीक है, बैलेंस शीट से हमें अपनी पोजीशन पता चलेगी पोजीशन पता चलेगी कि आज जब बैलेंस शीट बनाई जाएगी उस समय हमें पता लगेगा, जिस दिन बनाई गई है बैलेंस शीट उस दिन कंपनी के पास, उस दिन प्रोपराइटर के पास, उस दिन बिजनेस के पास क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, उनके पास कितनी चीजें हैं जो कह सकते हैं ये हमारी एसेट्स हैं, या क्या क्या हैं जिन्हें हम कह सकते हैं हमारी लाइबिलिटीज हैं, तो हमारी पोजिशन पता लगती है। पोजीशन कहते हैं ना, मेरी पोजीशन क्या है, यानी मेरे पास कितनी संपत्ति है, कितने मुझे लोगों को कर्जा देना है, तो ये पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं इसको, दूसरा नाम, ठीक है ना। इसका भी एक नाम है, इसका नाम है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट है, थोड़ा छोटा हो गया, स्टेटमेंट है ये वर्ड, ठीक है ना, स्पेस नहीं था मेरे पास। नाउ अब एक चीज बार बार दिमाग में आती है कि बच्चा ये सब चीजें इतनी जल्दी समझ ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये जो मैंने सारी बातें आपको यहां लिखी है ना, यहां से लेकर यहां तक बेटा, यहां से लेकर यहां तक की जो बातें लिखी हैं, ये आपकी पूरी स्टैंडर्ड 11th का कोर्स है, स्टैंडर्ड 11th अकाउंट्स का ये पूरा कंप्लीट कोर्स है, सिलेबस है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बस साथ चलिए, ठीक है। हम ये सारी चीजें डिटेल में, चैप्टर्स हैं, आप चाहें तो अभी अपनी किताब खोल कर दे सकते हैं, आपके ना एक एक चैप्टर बने हुए हैं। तो बस ये पर मेरा थ्योरेटिकल पार्ट था, मुझे कवर अप करना था, और मैं भी मानता हूं ये आपको अभी इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, आगे वाले चैप्टर्स आने वाले हैं जहां पर हम इनके बारे में और पढ़ेंगे, हमें समझ में आएगा। आप जब कोर्स खत्म करेंगे ना हम अपना, ठीक है, बीच में से थ्योरेटिकल हम बार बार रेफर करते रहेंगे, तो पर मैं कहूं जब हम कोर्स खत्म करेंगे उस समय आपको एक बार दोबारा शुरू के ये 4-5 चैप्टर से एक बार दोबारा देखना है, तब तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि उस समय क्या बातें चल रही थी, ठीक है। इसीलिए मैं इनके आपके लिए ये वीडियोस बन रही है, ताकि आप उस समय, क्योंकि ये बेस है आपका, अगर 11th समझ नहीं आई ना तो 12th समझ नहीं आएगी, आगे आपको समझ में आएगा ये बात क्यों कही मैंने। मैं बात पर कायम रहूंगा, हमेशा कायम रहूंगा, मैंने क्या कहा, अगर 11th समझ नहीं आई ना तो 12th कभी समझ नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि अकाउंट्स के लिए आपका ये बेस है,
आपकी पहली बार आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं 11th में आकर, ठीक है ना। इससे पहले आपने कभी अकाउंट्स नहीं पढ़ा, यानी ये एबीसीडी है हमारी अकाउंट्स की, ठीक है ना। और एबीसीडी नहीं आएगी तो शब्द कैसे बनेंगे, शब्द नहीं बनेंगे तो सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, पैराज कैसे बनेंगे, ठीक है। तो बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे मेरे साथ, ठीक है ना, हम आगे चलेंगे इसमें, ठीक है। चलिए अब ये था समराइजिंग मेरा, ठीक है ना। तो हम समराइज कैसे करते हैं मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया, ठीक है। सॉरी, तो इसे आप अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, बाकी नोट्स में अवेलेबल है इसकी सारी डिटेल्स। मैंने शॉर्ट में बता दिया कि समराइजेशन कैसे होता है। समराइजिंग कुछ भी नहीं है, चीजों को समराइज फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। देखो मैं यहाँ समराइज फॉर्म में लेकर आ गया कि नेट मेरे पास 20,000 रुपए बचे, और उसका भी मैंने फिर कंक्लूजन निकाला, क्योंकि समराइजिंग का मतलब क्या है कि जो पूरे साल हम इतनी सारी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इतना सारा लेन देन कर रहे हैं, इनका समराइज रिजल्ट क्या है, यही तो समराइजिंग होगा ना, कि रिजल्ट क्या है, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, उसी को तो समराइजेशन कहते हैं। तो हम ये सब इस तरह की प्रोसेस है मेरी, क्योंकि हमने कहा कि अकाउंटिंग क्या एक सिस्टमेटिक मेथड है, अप्रोच है, ठीक है ना। हम सिस्टम से चलेंगे, ऐसे नहीं लेमैन की तरह एक कागज पर लिख दिया ये इससे पैसा लेना है, ये इससे देना है, कल को वो आता है तो हम कहते हैं 2 दिन बाद आना, अभी मुझे देखना पड़ेगा मैंने क्या लिख दिया, ठीक है ना। तो वो समस्या है हमारे पास अकाउंटिंग में नहीं आती है। आपको जब चाहिए किसी को भी कोई हिसाब बताना है तुरंत बता सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम से चलना पड़ेगा। और ये सिस्टम आसान है, नए हैं, थोड़े दिन आपको बियर करना पड़ेगा कि अजीब अजीब चीजें आएंगी, नई नई चीजें आएंगी, बट सब आसान है, ठीक है। चलिए इसे लिखना है तो लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है ना, आप चाहें तो मैं दोबारा लिख देता हूं, यू कैन व्हाट्सएप टू मी, ठीक है ना, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। किस नंबर पर करिए, इस नंबर पर करिए, ठीक है ना, ठीक है, या फिर YouTube पे देख सकते हैं। ठीक है ना, YouTube पे कहां देखेंगे, YouTube पे चैनल है हमारा, चैनल का नाम क्या है, SRCC ऑनलाइन वीडियोस, ओके। और यही जीमेल एड्रेस भी है, ठीक है ना। अगर आपको ईमेल करना है हमें तो मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल है SRCC ऑनलाइन वीडियोस, सॉरी 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 गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ऑनलाइन वीडियोस @gmail.com, ठीक है। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। नई वीडियोस आपको देखनी है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं हम यहां से, इंटरप्रिटेशन के बाद नेक्स्ट फीचर है हमारा, नेक्स्ट फीचर पर आते हैं। अगला फीचर है 7th नंबर हुआ इसका शायद ना, नेक्स्ट फीचर है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स, देखिए अकाउंटिंग की एक और फीचर है, ये है कि अकाउंटिंग कि जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपको हेल्प करती है कि आप इन्हें कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात है या नहीं है, क्या रिजल्ट रहे, ये बहुत से लोग हैं जो जानना चाहते हैं, ठीक है ना। मालिक है, बिजनेस के ऑनर है, वो जानना चाहते हैं, बिजनेस का मैनेजमेंट है वो जानना चाहता है कि हमने इस बार कितना प्रॉफिट कमाया या लॉस हुआ हमें, ठीक है। एम्प्लॉइज जानना चाहते हैं, ठीक है, कि भाई इस बार कितना प्रॉफिट हुआ है, अच्छा प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को तो हम भी जाकर बोनस की डिमांड रखें,
कि साहब हमारा भी बोनस बढ़ा दीजिए आप, नहीं हमें बोनस दे दीजिए आप, ठीक है, या हमारी सैलरी बढ़ा दीजिए, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, ये भी मेरे पास टॉपिक है आगे, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग आप एक अलग फीचर हमारे पास ये है कि जो आपके रिजल्ट्स आए हैं आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स के, आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, ये आपको हेल्प करता है कि आप उन रिजल्ट्स को लोगों तक पहुंचा सके, कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। तो ये फीचर है हमारा लास्ट फीचर, वेर इन विल बी कम्युनिकेटिंग आर रिजल्ट्स टू इंटरेस्टेड यूजर्स। जो जो लोग उस इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं दे कैन बी गेट दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। क्योंकि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, दे आर इजिली अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, ठीक है ना। मान लीजिए एक कंपनी है तो उनकी वेबसाइट पर जाइए और आप उनकी बैलेंस शीट को देखिए, उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखिए, तो वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आप चाहें, जैसे आप ऑनर हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, एम्प्लॉयज को भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है ना। ये सबको फ्रीली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये एक फीचर है अकाउंटिंग की जो आपको एडवांटेज देती है यहाँ पर, ठीक है। चलिए इससे आगे चलेंगे हम लोग, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपने, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग।